हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. दिस इज राज कमल. लास्ट टाइम जो हमने एसी एनालिसिस में देखा था, हाउ टू प्रोड्यूस एसी, तो साइनोसोइडल वेव कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में. तो इस क्लास में जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारा एसी वेव प्रोड्यूस हुआ है उसमें एक टर्म्स हमारे आते हैं, फेज लीडिंग और लैगिंग. फेज एंगल क्रिएट्स होते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ टू प्रोड्यूस फेज एंगल. और ये ऑलवेज इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ लोड. लोड का नेचर कैसा है इस पे डिपेंड हमेशा करता हमारा फेज एंगल. और फेज एंगल अगर आपको पता अच्छे से चल जाएगा तो ऐसे कंडीशन हम डिस्कस करने लगते हैं. फिर पावर फैक्टर. पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो मशीन हो, मेजरमेंट हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, ये जो हमारा ये है पावर फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो पावर फैक्टर्स के रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को पहले देखेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस फेज एंगल. और फेज एंगल जो है हमने अभी बताया आपसे कि वो हमेशा लोड के नेचर पे डिपेंड करता है. तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं, लास्ट टाइम जो आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा एसी एनालिसिस टर्म चल रहा है, तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो देखिए, हमने एक मशीन बनाया था आपके सामने और उसमें टू पोल के बजाय हमने फोर पोल कर दिया, तो उससे फ्रीक्वेंसी राइज कर गई थी. क्लियर? अगर हमने यहाँ पे फोर पोल मशीन बना दिया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया. क्लियर? क्यों ऐसा हुआ था? यहाँ पे कंडक्टर स्टार्ट किया मैक्सिमम, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम है. यहाँ देखिए फ्लक्स मिनिमम है, फ्लक्स मिनिमम है, फ्लक्स मिनिमम है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रोड्यूस कराया था एसी वेव्स. वो देखिए, अगर ये वोल्टेज का वेव है, ये प्रोडक्शन वोल्टेज का है, तो नेक्स्ट हम कहते हैं अगर उसमें लोड लगाएंगे, यानी यहां से जब आउटपुट हम लेके जाते हैं मशीन से, और जब लोड लगाएंगे तो यहां से करंट सर्कुलेट होगा, तो इसमें प्रोड्यूस होंगे हमारा वेव करंट के भी. ये देखिए, जैसे लूप कंप्लीट हुआ करंट प्रोड्यूस होगा. तो मैं चूंकि फेज एंगल आज का टर्म देखना चाहता हूं, तो फेज एंगल से रिलेटेड टर्म्स को देखूंगा. तो यहाँ देखिए, जो हमने लास्ट में कराया था, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर लोड रेजिस्टिव होगा, मैंने बोला फेज एंगल कब क्रिएट होता है, तो पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा, अगर लोड रेजिस्टिव होगा तो देखिए करंट भी उसी तरीके से हमारा प्रोड्यूस होने लगता है. ये रहा, क्लियर ना? तो हम देखते हैं एक एसी जनरेशन के अंदर में, एसी में करंट और वोल्टेज कुछ तरीके से होते हैं, तो दोनों साइनोसॉइडल वेव होते हैं. यहाँ अगर वी एम साइन ओमेगा टी होगा तो यहाँ होगा आई एम साइन ओमेगा टी. नो फेज लीडिंग लैगिंग. क्लियर ना? तो ये हमारा तो प्रोडक्शन ऑफ एसी वेव था. प्रोडक्शन ऑफ एसी वेव के बाद हम यहाँ पे चलेंगे, हमारा जो टर्म होगा वो होगा फेज लीडिंग लैगिंग. ये आपको ध्यान रहे, फेज लीडिंग लैगिंग. ये फेज लीडिंग लैगिंग नेचर पे डिपेंड करता है, किसके? लोड पे. ये जनरेटेड ईएमएफ जो है एसी वेव, करंट और वोल्टेज, ये किस तरीके का वेव, इसका करंट कितना शिफ्ट करेगा, करंट आगे लीड करेगा या पीछे लैग करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोड पे. अब नेचर ऑफ लोड के लिए आपको जानना पड़ेगा किस किस टाइप के लोड होते हैं. तो हम इसीलिए जब इसको पढ़ते हैं एसी एनालिसिस को, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, सीरीज, पैरेलल, काफी टर्म्स को हमको डिस्कस करना पड़ता है. उसका मेन एक रीजन ये होता है ताकि वहां से आप ये समझ पाए कितना फेज शिफ्ट करता है ये. अगर दोनों एक ही साथ चलता है, इसी वेव को मैं इस पे लिखूं, तो अभी देखिए ये वेव एक ही साथ फेज में है, सेम फेज में रिप्रेजेंट करता है. यानी ये देखिए, मैग्नीट्यूड ऊपर या वोल्टेज का ज्यादा हो सकता है, करंट का कम होगा, लेकिन सेम फेज पे कट कर रहा है हर जगह, तो अभी कोई लीडिंग लैगिंग वेव नहीं है. यानी इसी वेव को हमने यहाँ पे लिख दिया करंट वाले वेव को. क्लियर? लेकिन हम देखते हैं जो सर्किट एनालिसिस होता है एसी एनालिसिस में, हम वहां कहते हैं कि कितना लीड लैग करेगा करंट, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोड पे. तो वहां से पावर फैक्टर या फेज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. तो हम अब देखेंगे इस मशीन का, हमने तो प्रोड्यूस करा लिया एसी, एसी प्रोड्यूस कैसे करवा लिया हमने लास्ट टाइम को, पूरा वीडियो इससे पहले वाला आपने देखा कि हाउ टू प्रोड्यूस एसी वेव. अब एसी वेव के बाद वो लीडिंग लैगिंग का क्या नेचर होता है, वो डिपेंड करता है लोड पे. तो आपको फेज एंगल के बारे में जानना पड़ेगा, और फेज एंगल जानने के लिए थोड़ा बहुत मैं ये भी दिखा दूंगा आपको, जाना देता हूं यहाँ पे, कि लोड किस किस नेचर का होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है, कैपेसिटिव नेचर का होता है. तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि लोड के बारे में आप जान लें, उसके बाद हम फेज एंगल आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, और लोड का जो भी वैल्यू अभी मैं निकालूंगा, खासकर एसएससी जेई में उस टाइप का क्वेश्चन उस लोड का भी निकाल देता है, लोड के उस क्वेश्चन से निकाल देते हैं कि कैसे इस लोड से आप फेज एंगल निकालेंगे, कैसे इस लोड से पावर फैक्टर निकालेंगे. तो पहले वी हैव टू मस्ट नो अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट. ओके, चलिए गाइस देखते हैं.
तो अपने को अभी देखना है कि लोड कैसा होता है। हमने बोला कि ये लीडिंग लैगिंग करने लगेगा, ये आपका जो है वेव ये लीड लैग करना शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए जानना पड़ेगा किस टाइप के लोड के लिए लीड लैग करना शुरू करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लोड किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले लोड किस टाइप का होता है, तो लोड के नेचर है, लोड जो आपका होता है इलेक्ट्रिकल में लोड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है रेजिस्टिव लोड, नेक्स्ट होता है इंडक्टिव लोड, एंड होता है कैपेसिटिव लोड, अब रेजिस्टिव लोड का मतलब होता है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा हो, वो रेजिस्टिव लोड होगा हमारा, क्लियर। उसके बाद इंडक्टिव लोड में अगर प्योर इंडक्टर बोले तो, नहीं तो इंडक्टिव में आरएल सर्किट का नेचर भी हो सकता है। इंडक्टिव सर्किट में जरूरी नहीं हमेशा इंडक्टर ही हो, इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कैपेसिटर सर्किट में प्योर आइडियल कैपेसिटर यानी प्योर कैपेसिटर की बात हो तो सिर्फ सी होगा, या फिर कैपेसिटिव लोड के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी इंक्लूड होगा। इस टाइप का लोड कहलाएगा कैपेसिटिव लोड, इस टाइप का लोड कहलाएगा इंडक्टिव लोड, और इस टाइप का लोड कहलाएगा रेजिस्टिव लोड, ये प्योर रेजिस्टिव क्योंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिव लोड। ओके, तो ये तो हमारा लोड का नेचर रहा। अब ये लोड जब हमारे उसी एसी जनरेटेड ईएमएफ वाले वेव के साथ कनेक्ट होता है तो करंट लीडिंग लैगिंग करता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, क्लियर ना। ये अगर जनरेटेड आउटपुट टर्मिनल पे अगर इस टाइप का लोड लगा दिया जाए तो करंट लैग करना शुरू करता है। इस टाइप के लोड अगर जनरेटर के आउटपुट में लगा दे एसी वेव के जनरेटर में तो करंट क्या करता है, लीड करना शुरू करता है। और जब सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होता है हमारे जनरेटर में लगे हुए, यानी कोई जनरेटर है ये देखिए, और सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगा रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका करंट और वोल्टेज एक ही फेज में चलना शुरू करता है, ये देखिए एक ही फेज में चलना शुरू करता है। जबकि इंडक्टिव के साथ करंट लीड लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर के साथ वोल्टेज क्या करता है आपका लैग और करंट लीड करता है। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा लीड लैग। तो हम पहले लोड के बारे में तो ये तो देख लिया कि रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव, थोड़ा आर एक्स जेड का भी रिलेशन देखते हैं कि वो भी किस तरीके से वेक्टर फॉर्म को अडॉप्ट करता है, किस तरीके से वेक्टर फॉर्म पे चलता है आर एल एक्स, और उसके बाद फिर हम देखेंगे फेज एंगल। इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा फेज एंगल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोड के बारे में बताता हूँ आर एक्स जेड के बारे में तो वो भी टर्म्स से क्वेश्चंस आपके एसएससी में आ जाते हैं बार बार क्वेश्चन, चलिए उसको भी देखते हैं एक बार। तो देखता हूं मैं आर एक्स जेड में रिलेशन, जिससे कि मैंने एसी एनालिसिस के टॉपिक में आपसे डिस्कस भी किया था कि रिलेशन पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में आता है, तो हमारा रिलेशन होगा अभी टॉपिक जो होगा रिलेशन बिटवीन आर एक्स जेड, आर एक्स और जेड के बीच कैसा रिलेशन होगा उसके बारे में एक बार देखते हैं। और ध्यान रहे यही लोड हमारा मैटर करता है कि कोई करंट और वोल्टेज में कितने का लीडिंग होगा और कितने का लैगिंग होगा। चलिए अब रिलेशन है तो ये भी एक तरीके का लोड है। अब हम देखते हैं आर एक्स जेड, आर क्या है आपका रेजिस्टेंस, आर है आपका रेजिस्टेंस, एक्स क्या है रिएक्टेंस, एक्स है आपका रिएक्टेंस, जेड क्या है आपका इंपीडेंस, जेड है आपका इंपीडेंस। अब देखिए रिएक्टेंस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सएल, एक होता है एक्ससी। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को बोला जाता है कैपेसिटिव, इसमें कैपेसिटर का नेचर होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें इंडक्टर इंक्लूड होते हैं तो यहां पे इसका फॉर्मूला अगर आप करेंगे डेराइव तो ये चीजें क्या होता है 2πfL, 2πfL या इसी को 2πf को क्या वो लिखते हैं ओमेगा एन टू एल। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ तो ये होता है 1 बाय ये रिवर्सल होता है 1 बाय 2πfC।
और इसी को लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा सी, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्लियर। तो ये तो रहा हमारा रिएक्टिव, यानी रिएक्टेंस से रिलेटेड चीजें। रिएक्टेंस इंडक्टिव होता है और कैपेसिटिव होता है। इंपीडेंस, अब रहा इंपीडेंस की बात। ये देखिए, ये तीनों जो रिलेशन हमेशा फॉलो करता है वो फॉलो करता है ट्राइंगल रूल को, राइट ट्राइंगल रूल को फॉलो करता है। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल को क्या करता है, राइट ट्राइंगल को फॉलो करता है। इसका मतलब है राइट ट्राइंगल का फॉलो करने का मतलब है, जो जेड होता है वो फॉलो किस तरीके से करता है, आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स के टर्म में फॉलो करता है। अब देखिए आर प्लस जे एक्स का टर्म मैं कहूं तो यहां पे जेड इज इक्वल टू, दोनों को अगर रिलेट करना चाहूं तो आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी, इस टर्म को फॉलो करता है। क्लियर ना। एकदम पहले मैथमेटिक्स से चीजों को उठा रहा हूं कि किस तरीके से मैथमेटिक्स से रिलेट होता है, और जैसे जैसे इस चीज को आप जानते जाएंगे आपका ये सर्किट भी कंप्लीट होता चला जाएगा, लेकिन मैथ्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं ये कैसा रिलेशन बताता है। तो अब मैं कुछ आपसे जानकारी चाहता हूं, यहां पर वो टर्म कैसा होगा कि आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा है मैथ्स के अंदर, तो वहां एक टर्म होता था z इक्वल टू x प्लस iy। ये किस चीज को निरूपित करता था, अगर इस चीज को आप अच्छे जानते हैं तो यहाँ पे चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, ये चीजें बहुत सिंपल हो जाएगा। तो उससे हम चाहते हैं कि एक बार मैथ्स इस चीज को रिलेट करें। अब बताएं अगर मैथ्स के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ये कवर कहां तक करता है आपको, ओके कवर कर रहे यहां तक। अब देखें ये अगर मैथ्स को रिलेट करता है तो इसका मतलब क्या होता था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड किस चीज को निरूपित करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो आप कहेंगे कि सर एक्चुअली ये जो डिनोट होता था जेड, वो किसी एक्स और वाई एक्सिस में, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो z उस पॉइंट को निरूपित करता था कि x डायरेक्शन में x तक जाइए। मान लीजिए मैं x को क्या कहने का मतलब है, अगर x डायरेक्शन में आप 3 प्लस 4 i होता, क्लियर 3 प्लस 4 i होता, ये x एक्सिस आयोटा वाला ग्राफ, यहाँ पे i जो इमेजिनरी होता है i, वो ऊपर y एक्सिस को फॉलो करता है। आप j डिप्लोमा अगर करते हैं कोर्स या कहीं और मैथमेटिकल टर्म्स में भी देखने को मिलता है, तो ये होता आयोटा का आई का एक्सिस, ये होता आई स्क्वायर, 270 पे होता आई क्यूब, और यहाँ होता आई 4, इसीलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई का स्क्वायर यानी -1, यानी इसका 1 तो इसका -1, और यहाँ आई तो यहाँ पे नीचे जे क्यूब यानी -j। क्लियर। ये एक्सिस होते हैं इसके। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जेड किस चीज को निरूपित करता है, तो कोई कहता है कि एक्स पॉइंट पे एक्स जाइए, y पॉइंट पे y जाइए, और दोनों को मीट कीजिए, इसके पैरेलल आगे बढ़िए ऊपर और इसके पैरेलल इधर बढ़िए, ये जिस पॉइंट पे जाता है वही z को रिप्रेजेंट करता है। ये मैथमेटिक्स कहता था आपका कि ये जिस पॉइंट पे जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, z होगा। तो यानी z अब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मीट किया, तो z कहता है हम ओरिजिन से लेकर आपके इस पॉइंट तक की दूरी को हम निरूपित करते हैं। जेड क्या कहता है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप समझिए कहीं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है या जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आई है, तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा रेजिस्टिव पार्ट और ये हो गया रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टेंस वाला टर्म। यहां भी देखिए ये क्या है, जेड प्लस ये, अब इसमें ये दोनों इंक्लूड है, कैपेसिटर नहीं है तो आर प्लस जे एक्स है, और कैपेसिटर अगर है इंडक्टर नहीं है तो R माइनस ऑफ जे एक्स। क्लियर ना। तो ऐसे चलेगा, और दोनों है तो दोनों को घटा देंगे, ये काउंटर करता है, क्योंकि आरएलसी सर्किट में हम इस चीज को देखेंगे हाउ टू काउंटर कैपेसिटर बाय इंडक्टर। क्लियर। अब यहां मैथ से हम देखना चाहते हैं कि जेड को अगर किसी ने बोला 3 प्लस 4 हो, तो इसका मतलब जेड कहां पे स्थित है। अगर मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट को 3
और यहाँ इतने बड़े एरिया को बोल रहा हूँ 4, ये देखिए इसका हाइट ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा सही हमने मैच कर लिया। तो इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल पे आइए, तो जेड इस चीज को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब कोई पूछेगा कि जेड किस दूरी पे है ओरिजिन से, तो जेड यही डिपेंड करता है कि हम ओरिजिन से इस दूरी पे है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो वहां को उसके वैल्यू पे निकालने का तरीका था क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे वैल्यू से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वही z को निरूपित करता था, यानी z कहीं ना कहीं एक दूरी को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से होता है। क्लियर, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी को रिप्रेजेंट करता है हमारा z। तो z बराबर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 16 5, यानी 5 हो गया। तो z किस चीज को निरूपित कर रहा है यहाँ, यानी कोई कह रहा है कि अगर ये देखिए 4 दूरी है, अगर ये 3 दूरी है तो z आपके 5 की दूरी है। क्लियर, ओरिजिन से। क्लियर, चीजों को समझे। तो देखिए 3 इधर 4 इधर, ये 5 होगा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल भी कहता है, और राइट एंगल ट्राइंगल ही तो मैं बोल रहा हूँ, शुरू से ही लिख रहा हूँ कि आर एक्स जेड जो है ये तीनों रिलेशन किस चीज को फॉलो करता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल रूल को फॉलो करता है। आप देखिए यहाँ भी हो रहा है कि नहीं, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथमेटिक्स था, वही इंप्लीमेंट होता है हमारे आर एक्स जेड सर्किट में। क्लियर, अब देखिए कोई एक क्षेत्र छोटा सा सर्किट में लेता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि ये कैसे सॉल्व हो जाते हैं चीजें। क्लियर, तो जब भी जेड बोलता है तो उसका मतलब होता है एक्स एक्सिस पे इतना जाइए, वाई एक्सिस पे इतना जाइए, और जेड जो होगा ओरिजिन जिस पॉइंट पे मीट करेगा दोनों को मिलाने से, वो जीरो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी को रिप्रेजेंट करता है हमारा जेड। क्लियर, तो यहाँ मैथ्स में तो एक्स एक्सिस होता था, एक्स पे जाइए इतना, वाई पे जाइए, लेकिन यही अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करने लगे, सर्किट की बात करने लगे, तो हमारा होता है रेजिस्टेंस उस दूरी पे जाइए और रिएक्टेंस उस दूरी पे, वाई शिफ्टेड दूरी पे लेके जाइए, जो पॉइंट हमारा मीट करेगा वो हमारा क्या होगा, इंपेडेंस जेड। अब हम जेड का वैल्यू इसीलिए कैलकुलेट आसानी से कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसा रिलेशन हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब देखिए सपोज दैट मैंने लिया कि सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव सर्किट ही होगा, यानी Z बराबर R प्लस J, अब मैं लेता हूं इंडक्टिव ही होगा तो XL ले लिया, क्लियर, J XL ले लिया, जबकि इसमें जो वैल्यू दिया होगा Z का, मान लो आपने ये बोला, किसी ने बोला ये दिया है 2 रेजिस्टेंस का मान, क्लियर, और रिएक्टेंस का मान दिया हुआ है 3, क्लियर। ये देखिए एक चीज और ध्यान रहे, ये इसका यूनिट हो गया, और जो आर का यूनिट होता है वो भी किस में होता है, ओम में, ये भी ध्यान रखें। जो रिएक्टेंस होगा चाहे वो कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव, उसकी भी यूनिट क्या होगी, हमेशा ओम में, और जो इंपीडेंस होता है इसकी भी इकाई हमेशा ओम में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए, छोटे छोटे एग्जाम में ये तक पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो ये आपको दिमाग में हमेशा रहे, सबका यूनिट क्या होता है, ओम में, क्योंकि Z इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। क्लियर, अब कोई कहेगा कि अगर ये सर्किट है, ये देखिए चीजों को अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, तो यहां जो किसी सर्किट का जेड हम निकालते हैं तो देखिए जे, इसलिए अगर ये जे नहीं होता तो 3 2 5 लिखते हैं, लेकिन हम हमारा ये जो कहता है इंपीडेंस, ये वेक्टर फॉर्म को फॉलो करता है, ये हमारा अलजेब्रिक सम नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए दो एक्सिस बनाएंगे, जो रेजिस्टेंस वाला एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस, वो यहाँ पे आर का एक्सिस होता है, रियल एक्सिस हमेशा किसका एक्सिस होता है, आर का, और जो इमेजिनरी एक्सिस होता है यहाँ पे एक्सएल रिएक्टेंस, वो होता है इसका, तो ये हम कह सकते हैं जे वाला एक्सिस जो होता है ये होता है, इसमें आएगा एक्सएल। अब देखें कितना रेजिस्टेंस बोला है 2, रिएक्टेंस इंडक्टर कितना बोला है 3, आ जाइए दोनों को मिलाइए एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिला तो जेड ये हो गया। कोई कहेगा कि ये पॉइंट क्या निरूपित करता है, ये निरूपित करता है ओरिजिन से टोटल इस तक की वैल्यू, जिसमें कि 2 अगर ये है 3 यहां है तो यहां क्या होगा, तो हम जेड का वैल्यू अगर कोई बोले आपसे निकालने के लिए, देखिए तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो ट्रायंगल फॉलो किया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 9 अंडर रूट 13 ओम। अगर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 13 ओम। क्लियर ना, इस तरीके से ये चीजें आपका जो है कैलकुलेट होता है जेड का वैल्यू। अगर कैपेसिटिव होता तो क्या होता, तो हम सब डिस्कस करेंगे। आपकी इस वीडियो में हम पूरा बहुत अच्छे तरीके से आर एक्स जेड का रिलेशन आपको क्लियर करेंगे। ओके।
चलिए अगर ये मैथमेटिक्स आपका क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजें, ये ध्यान रहे। आप क्या करते हैं सर्किट में ध्यान रहे, एसी एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, एसी में हर चीज इफेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यही चीज हम इंडक्टर में और डीसी सर्किट में, अब तक हमने जिससे पहले चैप्टर पढ़ा उसमें कभी कैपेसिटर इंडक्टर का यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सर्किट हमारा डीसी था। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो वो सर्किट के अंदर यूज नहीं होता था। हम यहाँ एक बार कंपेरिजन भी आपको करके दिखाएंगे कि एक ही सर्किट में डीसी लगाएंगे तो क्या होगा और एक ही सर्किट में एसी लगाएंगे तो क्या होगा। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें बेसिक्स, ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए सर्किट थ्योरी क्या है, मैथमेटिक्स है। आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, कभी भी बिना इसके लिए किसी चीज की याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा होना चाहिए। कभी भी सर्किट के 10 20 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी कॉन्सेप्ट जो होनी चाहिए वो बिल्ड बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर ये आरएक्स का रिलेशन ये हो गया तो ट्राइंगल को फॉलो किया। हम इसी में एक फेज एंगल को भी रिलेट कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि फेज एंगल तो आगे पढ़ना है अपने को कि फेज एंगल किसी लोड से कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी अपने को देखना है। अब देखिए कह रहा है कि कोई सर्किट है, देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है, उसमें इंडक्टर है और कोई भी एसी सोर्स लगा हुआ है, क्लियर। और यहाँ एक और सर्किट है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कोई डीसी सोर्स लगा हुआ है, क्लियर ना। ये आर है, ये एल है, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है, बट ये है क्या DC प्लस माइनस, और ये क्या है एसी, साइनसोइडल वेव हमने लगा दिया। यहां से भी करंट रिलीज होगा, सोर्स करंट, और यहां से भी करंट रिलीज होगा। अब देखिए एसी में नेचर कैसा होता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो एसी में ये है आरएल लोड, और आरएल लोड का रिलेशन कैसा होगा, कोई कहेगा कि आपको जेड निकाल। यहां पे मैं पूरी चीज आरएल सर्किट पे नहीं जाऊंगा, यहां पे सिर्फ बताता हूं कि जेड कैसे निकालना होता है, ये लोड कैसा फिल करेगा। तो ये लोड फिल करेगा आर प्लस, अब ये इंडक्टर पे डिपेंड नहीं, क्योंकि करंट को अपोज डायरेक्ट इंडक्टर नहीं करता, उसका रिएक्टेंस अपोज करता है। एक्सएल क्या हो जाएगा 2πfL, एक्सएल क्या हो जाएगा 2πfL, अगर 2πfL हो जाएगा तो हम कह सकते हैं J इनटू एक्सएल, ये होगा Z का वैल्यू। इस सर्किट में करंट का मान क्या होगा, तो करंट का मान होगा टोटल वोल्टेज बाय यहां पे Z डिवाइड होगा, क्योंकि एसी के केस में इंडक्टर भी क्या होता है एसी को अपोज करता है, तो उसका रिएक्टेंस अपोज करता है 2πfL, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब करंट जो होगा वो वोल्टेज वागा ये होगा, यानी V बाय, अगर Z की मान कहूं तो मैं अंडर रूट क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये होगा आपका इस सर्किट का करंट। लेकिन यही डीसी सर्किट की बात की जाए तो देखिए आर और एल, लेकिन इसका रिएक्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 2πfL, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी डीसी का जीरो होता है, तो जीरो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इस सर्किट का करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो जीरो हो रखा है, क्लियर ना। इस सर्किट का करंट कुछ और होगा, इस सर्किट का करंट कुछ और होगा। तो चूंकि अपन एसी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए डिस्कस अभी पूरा का पूरा आर एफ जेड का रिलेशन में ही हम रखेंगे, क्लियर ना। तो हम इसके आप और इस चीज को समझ चुके होंगे, हम चलते हैं आर एक्स जेड का रिलेशन देखने के लिए एक बार। चलिए देखते हैं आर एक्स जेड का रिलेशन, अभी वहां से भी बोला जाए। अब देखिए यहां पे बोलता है ये है 3 ओम, सपोज दैट ये है 4 ओम, 4 ओम क्या बताया गया, इसका मतलब आपको रिएक्टेंस बता दिया गया 4 ओम इसका ये है, तो बताइए कितना इसका करंट होगा। तो हम जानते हैं कि R का डायरेक्शन ये है जो कि कितना चल रहा है 3 ओम चल रहा है, X का रिएक्टेंस का डायरेक्शन ये है, यानी इमेजिनरी पार्ट हमेशा यहाँ पे Jx चलता है, XL अलग पार्ट, तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू है 4 ओम, ये है 3 ओम, तो ओवरऑल Z कितना होगा, क्योंकि वोल्टेज से डिवाइड होगा Z, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर भी अपोज करता है इसी को, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है। तो आप चलिए इसको आगे बढ़ाइए और Z देखते हैं कितना होगा। तो देखिए 3 ये 4 ये, तो राइट ट्रायंगल रूल से भी ये क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5। तो Z का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5। तो करंट कोई बोलेगा इस सर्किट का क्या होगा, तो वोल्टेज चाहे जितना वोल्ट दे दे उसमें क्या कर दीजिए 5 से
डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं कि तीन से डिवाइड कर दिया चार से, नहीं, इसका रिजल्टेंट क्योंकि वेक्टर को फॉलो करता है इसीलिए आपको रिजल्टेंट करंट से डिवाइड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, वो इंपीडेंस है। तो इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा रेजिस्टेंस से और रिएक्टेंस से, ये दिमाग में रहे, इंपीडेंस का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, Z का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा R से भी, और Z का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा X से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है अभी इसका, क्लियर ना। ये देखिए जैसे ट्रायंगल में आप पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, आप देखिए ये दूरी और ये दूरी इससे बड़ा ही होगा, हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर होता है चाहे वो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, इसीलिए जेड हमेशा ग्रेटर होता है रेजिस्टेंस से और रिएक्टेंस से, क्लियर ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए एसएससी का बहुत सारा मिल जाएगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई मिल जाता है देखने को, आर्मी में भी इसी टाइप के पैटर्न सिलेबस दिया है तो वहां भी आपको मिल जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए एक चीज और, अगर यही सर्किट होता आर एक्स जेड में रिलेशन बोल रहा है तो हमने एक और जेड का फॉर्मूला लिखा था आर बराबर ये देखिए जे एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी रिएक्टेंस जो होता है ये कैपेसिटर का और इंडक्टर का, ये इंडक्टर का और कैपेसिटर हमेशा काउंटर करता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे आरएल सर्किट आरसी सर्किट में क्यों काउंटर करता है, क्लियर ना। लीडिंग लैगिंग होने के कारण क्या ऐसा होता है तो वहां भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसका मैं दिखा देता हूं कि कैसे निकालना होता है सिंपल, क्योंकि अभी लोड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ लोड के बारे में जो कि आर एक्स जेड है उसके बारे में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ना आगे फेज एंगल, और फेज एंगल को जानने के लिए आपको जरूरी है कि ये आपका वैल्यू ये लोड के बारे में आपको पता हो कि किस टाइप का नेचर कैसा होता है। सपोज दैट एक सर्किट ऐसा दे देता है, एक इंडक्टर ऐसा दिया है और एक कैपेसिटर ऐसा दिया है, आपके एसएससी में बहुत फ्रीक्वेंट पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन कि इसका जेड का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए ये इंडक्टर ये कैपेसिटर ये रेजिस्टेंस, इसका मान अगर 3 दिया है, इसका मान 7 दिया है, और इसका मान मान लीजिए कि 4 दिया है, क्लियर ना। ये है XC का मान ओम में, ये है XL का मान ओम में, ये है R का मान ओम में, क्लियर ना। तो टोटल इंपीडेंस क्या होगा, तो ऐसे में तुरंत क्या करेंगे आप, जेड इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है ये, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, जेड का मैग्नीट्यूड जब भी निकालेंगे तो आर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को मोड ऑफ जेड जब निकालते हैं अंडर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो चीजें क्या हो जाएगा, इज इट विजिबल, चलिए ऊपर लिख देता हूं। तो Z का मान जो होगा टोटल इंपीडेंस इस सर्किट का जो आपके करंट को अपोज करेगा वो वैल्यू होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया अंडर रूट 18 ओम, जो टोटल Z बनेगा इसका वो हो रहा है 80 अंडर रूट 18 ओम, वो होगा वही करंट को अपोज करेगा, ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हम इसका हमेशा रिजल्टेंट देखते हैं और ये वेक्टर को फॉलो करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है, क्लियर ना। तो इस तरीके से आप इसका रिलेशन देख सकते हैं, तो आर एक्स जेड में ऐसा ही रिलेशन होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये किस तरीके से किसको फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी लोड हमारा किस किस टाइप का होता है ये आपने देखा कि लोड में रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो लोड का नेचर जब भी आपको इलेक्ट्रिकल में बोले तो रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर होगा, प्योर कैपेसिटर में कैपेसिटर होगा, लेकिन ये सब प्योर के लिए है, ये सब प्योर है, तो चूंकि हर चीज प्योर कोई भी प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो हम कहते हैं अगर रेजिस्टिव सर्किट बोला है तो सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इंडक्टिव सर्किट कहीं बोला है तो इंडक्टर के साथ हो सकता है रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, इंडक्टिव में जरूरी नहीं हमेशा प्योर इंडक्टर देना है, यानी L के साथ R भी एग्जिस्ट करेगा, कैपेसिटिव सर्किट बोला है तो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी रहेगा, क्लियर। तो ये होगा आपका, एक होगा इंडक्टिव, एक है कैपेसिटिव सर्किट, एक है रेजिस्टिव सर्किट, ये प्योर का जब भी प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव लिखा है तो सिर्फ यही रहेगा, और जब भी सिर्फ इंडक्टिव रहेगा तो ये सब लोड के अलग अलग टाइप्स हैं, ये आपको ध्यान में रहे, ये लोड के अलग अलग टाइप्स हैं। अब आगे जब हम देखेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा नेचर में बता दूं,
कि क्या चीजें होती है इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ताकि आपको फेज एंगल में दिक्कत ना हो। देखिए जो इंडक्टर होता है आपका, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये करंट का विरोध तो करता है, लेकिन इस कंडीशन में करंट और वोल्टेज हमेशा फेज में होते हैं। लेकिन इंडक्टर का क्या नेचर होता है, ये करंट को पीछे धकेलता है, करंट वोल्टेज तुरंत पास कर जाता है, यहाँ पे एपीआर हो जाता है वोल्टेज, लेकिन ये करंट को हमेशा क्या करता है, धकेलने का काम कर सकता है, करता है। तो इंडक्टर में हमेशा करंट लैग हो जाता है, करंट इंडक्टर में हमेशा क्या करता है, लैग। लेकिन कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी है, ये करंट तो तुरंत पास करा देता है पर वोल्टेज को एपीआर होने के लिए टाइम लगाता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, करंट को आई को क्या करता है, लीड करता है। कैपेसिटर आई को लीड करता है, लेकिन वोल्टेज को विरोध करता है, वोल्टेज का विरोध करता है। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करता है। जिसके कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए कैसा सब याद रखते हैं, सी आई बी आई एल। कैपेसिटर में करंट क्या करता है, पहले आया तो करंट लीड और वोल्टेज लैग। देखिए क्या है, सिविल फंडा लिखिए और इसमें बोलते हैं कैपेसिटर आईसी फॉर कैपेसिटर्स। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग। लेकिन उसके बाद आगे जाएंगे तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए आप, कि इंडक्टर में क्या होगा, करंट लैग और वोल्टेज लीड। यानी कैपेसिटर में क्या करता है, करंट लीड करता है, तो इंडक्टर में करंट क्या करेगा, लैग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसी के थ्रू आप चीजें को आगे डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे देखते हैं फेज एंगल और पावर फैक्टर। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।